बड़ा मनोरंजक होते हैं आपके ट्वीट। मैंने एक बार तो ऋषि सर की ट्वीट पढ़ी थी, पता नहीं किसी लड़की ने ऋषि सर को लिखा कि हाय सर प्लीज से माय हाय टू रणबीर, कहते मैं रणबीर का लेटर बॉक्स नहीं हूं। सर आप जितना फिल्मों में पहले बिजी थे आज भी उतने ही बिजी हैं, और आपका खुद का ये कहना है कि पहले मैंने तो इन्जॉय किया है, अब मैंने काम असल में करना शुरू किया है, जिसका हम लोग देखते भी हैं। जैसे अग्निपथ में सर आपने बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया, फिर अभी कपूर एंड सन्स में वो इतना मतलब मेहनत वाला काम था कि उसके मेकअप को सर कितना टाइम जाता होगा मेरे ख्याल से? साढ़े पाँच घंटे मेकअप में ही जाने हैं। करता नहीं सर वैसे, कर रहे। मुझे याद है किस्सा, हमारे अमृतसर में शूट करने आए थे वो इसके लिए सनी पाजी की फिल्म थी गदर, और मेरे फादर पुलिस में थे तो उनकी ड्यूटी वहां पे लगी हुई थी, तो उनको पता था कि मेरे बच्चे को शौक है तो आ जा तू फिल्म में पार्ट लेना, कुर्ता पजामा पहन के आना, उनकी ये कंडीशन है। मैं चला गया, अब मुझे तो समझ नहीं थी फिल्म की स्टोरी है क्या, मतलब क्या होना है। तो अमीषा पटेल छूट जाती हैं ट्रेन में और अमरीश जी बैठ के चले जाते हैं, तो मेरे आगे अमरीश पूरी पहली बार लाइफ में और अमीषा पटेल, मैं सोचूं कैसे बुलाऊं, तो मेरे को समझ ना आए। ब्लू कलर का अमरीश साहब ने कोट पहना हुआ, मेरे को कुछ और नहीं सूझा तो मैंने ऐसे ही कर दिया उनको, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा मगर अच्छा मैं सर वो जैसे एक्शन बोले हम भाग के ट्रेन के ऊपर चढ़ जाए, तो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाए तो मुझे लगा कि यार अमीषा पटेल हर बार चढ़े ना, तो मुझे अच्छा मैं ना डायरेक्टर ना प्रोड्यूसर ना कोई लेना ना देना, मेरे को अमीषा पटेल पे गुस्सा आई है, मैं कहा यार ठीक नहीं कर रही, हालांकि मुझे पता ही नहीं था कि उनका सीन ही यही है कि ये छूट जाएंगी यहाँ पे। एनीवेज पर मैं उस समय मेरा पहला एक्सपीरियंस था अमरीश पुरी साहब से मिलने का। तूने आधे घंटे की वो सुना दी पर फिर अमरीश जी की आवाज फिर नहीं निकली। अमरीश जी की आवाज, अरे इन केचुओं की बोटियां काट काट कर कुत्तों में फिकवा दो। वी आर मिसिंग यू अमरीश पुरी साहब। यस अच्छा किया तूने, खुद ही बता दिया बचना है सीनो, इसके पसीने की बड़ी स्मेल आती है। थोड़ी देर के लिए आप मौन व्रत रखेंगे? सर ऋषि सर पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, बीइंग एन एक्टर बीइंग चंदन प्रभाकर, मैं सर से बड़ा इंप्रेस हूँ सर। एक लाइन है जो सिर्फ नसीब वालों के नसीब में आती है, ऋषि सर ने अपने ट्विटर पे लिखी हुई है, फेमस सन ऑफ ए फेमस फादर एंड फेमस फादर ऑफ ए फेमस सन। अरे भाई आई लव यू सर। अच्छा मुझे पता नहीं था तू इतना इंटेलिजेंट है वैसे। सो इतने बड़े एक्टर बैठे हुए हैं, इतना हैंडसम एक्टर है आपके सामने खड़ा है, मेरी थोड़ी तारीफ करो। क्या करूं तेरा, ये नाइटी पहन के क्यों घूम रहा है पहले ये बता। ऋषि सर इतना बड़ा ये शो चला रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि नाइटी के साथ बीन लेकर कौन घूमता है। कहते हैं नगीना टू हमने बनानी है तो मेन रोल इस बार सपेरे का होगा। तो देखो मेरे को ऐसा बना दिया इन्होंने, नागिन तो इन्होंने पाजी वो दी है, ओ बंदे को डसे ना, बंदे को देख ले बंदा वहीं मर जाए। मैं बुलाता हूँ अभी नागिन, बुलाता हूँ नागिन का है? ए, नागिन है? ऐसे कौन बुलाता, बीन बजाओ ना, अभी भी जा देते बीन। आजा यार मेरा गला खत्म हो गया है। ये नागिन है कि एनाकोंडा है? सच बताइए आपने मुझे पहचाना कि नहीं, पुराने खंडरों में भटक भटक कर मटक मटक के कब से आपका इंतजार कर रही हूं मैं। खंडर तो पुराने होते, नया खंडर कौन है? खंडर नया भी होता है। कभी तुमने सुना है कि नए खंडर की इनॉग्रेशन हुई हो? क्या हुई हो? इनॉग्रेशन। तू क्यों अंग्रेजी की इज्जत लूट रहा गुरु? रहना अगे उद्घाटन है। इंटू जी इनकी बातों को छोड़िए, ये दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, ये तो बातें करते रहेंगे, तो एक दिन में 26 घंटे बातें कर लेते हैं। लेकिन मेरी अभी अभी एंट्री हुई है, आप जरा मुझ पे फोकस कीजिए। मैं हाय आई एम इच्छाधारी नागिन। थैंक यू। या थैंक यू बोलो, जब आपको जेल हुई थी तो ऋषि सर ने ट्वीट किया था आपके फेवर में। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल। आइए मैम। अच्छा नीतू मैम, एक्चुअली ऐसा होता है आदमी कभी कभी मूड में है, दो ड्रिंक ले लिए तो आदमी सच्ची बातें कर देता है। या और आप लाइफ पार्टनर है तो जाहिर सी बात है सर, जितने आपने बुक पढ़ी है। मैं तो पूरी कपूर फैमिली को पढ़ रहा हूँ बचपन से, मैं तो इतना फैन हूँ।
पर ऐसा कभी हुआ है ऋषि सर ने आपको कभी ऐसे? बहुत किस्से हुए ऐसे, बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ है वो बहुत? मैंने बुक सी he's never had affairs. कभी अफेयर्स नहीं हुए इनके। सुन लिया? कभी नहीं हुए। सुन लिया आप लोगों ने? बट जो कैमरा है सुना कि नहीं? बट इंसान है, यू कैन लाइक somebody, लाइक आई कैन लाइक somebody, सो what? ही कैन हैव अ लाइकिंग फॉर somebody, नॉट अफेयर्स। सो समझो इनका एक फ्रेंड है राहुल, ओके? सो ये आते हैं घर में 8 o'clock ही स्टार्ट ड्रिंकिंग। सो बीवी सामने एंड वी टॉक नॉर्मल थिंग्स, आज क्या हुआ। 10 बजे वो जो बीवी है वो राहुल बन जाती है। सो देन ही स्टार्ट्स टेलिंग मी हिज यार शी इज डैम सेक्सी यार। सब झूठी बातें, ये सब झूठी बातें, ये सब झूठ है, मन ये मन भावन बातें हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। फिर मैं भी शर्लॉक बन जाती हूँ। मैं बोला अच्छा, सो हाँ क्या क्या किया? फिर वो बताएंगे उसने ऐसे मेरे को आके फ्लर्ट किया, फिर मैंने ये किया। और छानबीन करनी होती बिकॉज मैं झगड़ा तो कर नहीं सकती बिकॉज अभी ये दूसरा लेवल है। सो आई कीप ऑन हियरिंग। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आई टेल हिम, अच्छा सो दिस हीरोइन सेड दिस टू यू, सेइंग हाउ डू यू नो? आई सेड यू टोल्ड मी लास्ट नाइट। मैं पर वैसे सर ये बात जान के बड़ा दुख हुआ कि इतनी खूबसूरती भगवान ने दी, कोई अफेयर नहीं। डॉक्टर साहब मुझे लगा पर्दे के पीछे आप बड़ी खूबसूरत लड़की से रोमांस कर रहे हैं, ये चुड़ैलों का बच्चा कौन था ये? क्या कर रहे हैं आप? और उसके बाल आपकी गिटार में फंस गए थे फिर आप निकाल रहे थे। मेरे पेचे लड़ते रहते हैं सिद्धू साहब। डॉक्टर साहब कर क्या रहे हैं आप बताइए? मैं ये वो ना बरसात नहीं हो रही थी, बादलों में ना उंगली करके छेद कर रहा था मैं। आ जाओ मेरे कंधे पे खड़े हो जाओ, तुम भी कर रहे हो मेरे साथ आओ। कर क्या रहे हैं ये वो, बड़े बिजी डे एवरीबॉडी। सो काय का बिजी डे? ये सर इतने फालतू आदमी, इतने खाली आदमी है, चीटी जा रही हो ना ऐसे उंगली करके उसका रास्ता रोक के टाइम पास करते हैं। बेकार आदमी है। चलो मैं तो चींटियों के आगे उंगली रख के रास्ता उनका खराब करता हूँ, बट तुम अपनी तरफ देखो ना, तुम हर बात में उंगली करते हो। उन्होंने किताब लिखी है, क्यों लिखी है, क्या लिखी है, उंगली कर रहे हो तुम। हेलो सर, हेलो चिंटू जी, दिस इज डॉक्टर मिश्र गुलाटे। अरे आराम से बैठो। नहीं बड़े आदमी है, नीचे भी है, ऐसे ही अच्छा लगता है। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। प्लेजर इज ऑल माइन। ओह दैट्स माय वाइफ। आई नो। बैठे इधर शर्मा की रहे हो, बैठ के बात करो ना हमसे। कोई बात है करने में भी शर्माई जा रहे हो आप बहू हैं हमारी, क्या शर्मा जा रहे हैं? बात करिए, क्या करने आए हैं आप? इधर बात निकालने का स्विच लगा जिसको तुमने दबाया। बात क्यों नहीं कर रहे? आदमी ब्लश कर रहा है, करने दो थोड़ा सा। ब्लश कर रहा है तो उससे अच्छा ब्रश किया करो। ब्लश कर रहे हो तो इतने नजदीक आते हैं क्योंकि तुम्हारे मुंह पे भास पड़े मेरे। दिस इज डॉक्टर मिश्र गुलाटी। हेलो TCH NNH। TCH NNH मतलब तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। न जा रहे हम क्या दे। कैसा लग रहा हूँ मैं गिटार के साथ? Too good. Am I not hot? Very hot. आपने वो प्यासे कौए की कहानी सुनी है जिसमें कौए को पानी नहीं मिलता? या, या। आपको देख के लग रहा है उस कौए को आज तक पानी नहीं मिला और वो लोमड़ बन गया। ये गिटार ऐसे पकड़ते हैं आप? ऐसे कौन पकड़ता है गिटार? ऐसे लगता है फ्लश का हैंडल पकड़ा है। तो तुम इसको फिर खींच दो, आने दो पानी। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अरे चलो ठीक है, बात करो उनसे आप। मूड ठीक करने दो मेरे को। मूड ठीक कर दिया। ये आप म्यूजिक वाले को बोल के आए कि आप नीतू जी की तरफ देखेंगे? रहो टिंग टिंग करेगा। मेरा साला है ना उधर वाला।
Thanks for making your jija happy. Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates